अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय किचन मैं शेफ़ हाफ़सा आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस सा चॉकलेट को लावा केक डिलीशियस वार्म गोई कुकीज के अंदर एक मजेदार सा चॉकलेट लावा होगा जो की खाने में सुपर यमी लगेगा एकदम परफेक्ट डिजर्ट है रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चॉकलेट लावा बनाएंगे तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे सिक्सटी ग्राम्स मिल्क चॉकलेट साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वन हंड्रेड ग्राम्स फ्रेश क्रीम क्रीम को हमें पहले पैन में अच्छे से गर्म कर लेना है और जब क्रीम अच्छे से गर्म हो जाएगी तो गर्म क्रीम को हम ऐड करेंगे चॉकलेट में अब हम इसको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पे बहुत ही डिलिशियस चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाएगी और एक मजेदार से लावा जो है चॉकलेट का बनके रेडी हो जाएगा अब ना हम इसको फ्रीजर में रख देंगे तकरीबन थर्टी मिनट्स के लिए साथ ही हम एक बोल में ऐड करेंगे वन हंड्रेड ग्राम्स बटर यानी कि मक्खन जो कि कप्स में होगा तकरीबन हाफ कप साथ ही इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर सेवेंटी फाइव ग्राम जो कि कप्स में होगी हाफ कप पाउडर चीनी ऐड करेंगे थर्टी सेवन ग्राम जो कि कप्स में होगी वन फोर्थ कप इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर नमक वन टी स्पून वनीला एसेंस और अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हमें इसका एकदम स्मूथ सा मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है यहाँ पे एकदम स्मूथ सा इसका मिक्सचर बन गया है अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा और अंडा ऐड करके हमें इसको अच्छे से कंबाइन करना है इसमें इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए तो अंडा जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है अब ऐड करेंगे फ्लाई यानी कि मैदा मैदा हमें यहाँ पे ऐड करना है तकरीबन तो वन फिफ्टी ग्राम जो कि कप्स में होगा वन कप मैदे को हम ऐड करेंगे छान के अच्छे से हमेशा मैदे को बेकिंग में छान के यूज़ करना चाहिए साथ ही इसमें ऐड करेंगे वन फोर्टी स्पून बेकिंग पाउडर वन फोर्टी स्पून बेकिंग सोडा और एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कंबाइन करके हमें यहाँ पे डो बना लेनी है जैसे ये मिक्स होगा तो बहुत ही डिलिशियस सी कुकी डो जो बन के रेडी हो जाएगी यहाँ पे ना जस्ट हम इसको ऐसे रॉ भी खा सकते हैं ये इतनी टेस्टी और डिलिशियस लगती है लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट चिप्स तो मैं यहाँ पे तकरीबन वन फोर्थ कप चॉकलेट चिप्स ऐड करूंगी चॉकलेट चिप्स ऐड करके हम इसको एक मिक्स देंगे और यहाँ पे ही कुकी डो जो है वो बिल्कुल रेडी है अब यहाँ पे मेरे पास चार मीडियम साइज के हेमिकिन्स हैं ये ना हो तो आप यहाँ पे कोई स्टील का बोल भी यूज कर सकते हैं या तो कोई डिस्पोजेबल डब्बा होता है ना जिसे जो लावा केक्स बनाने के लिए यूज़ होता है वो भी ले सकते हैं इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे कुकी डो का मिक्सचर अच्छे से हमें यहाँ पे थ्री टू फोर टेबल स्पून मिक्सचर जो ऐड करना है और ये जो कुकी का मिक्सचर है ना इसे हमें पूरे कप पे अच्छे से फैला लेना है दरमियान में एक हॉलो सी जगह बनाते हुए जहाँ पे हम ऐड करेंगे चॉकलेट लावा तो देखिए इस तरीके से सेटिंग से करके हमें कुकी डो जो है वो ऐड करनी है दरमियान में हलू सी जगह बनानी है और हर तरफ से जो ये रेमकिन है ना वो कुकी डो में कवर होना चाहिए दरमियान में हम इसके ऐड करेंगे चॉकलेट लावा जो कि हमने फ्रीजर में रखा था श्रो में बना के वो इस तरीके से थोड़ा तो सा से सेट हो जाएगा तो इसको इसमेड कर लेंगे और चॉकलेट लावा ऐड करने के बाद अब हम इसको वापस जो है टॉप से बाकी की बची हुई कुकीडो से कवर कर लेंगे तो तकरीबन टू टू तो थ्री टेबल स्पून हम ऊपर ऐड करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए इस तरह से हमें वेमिकन्स को बिल्कुल परफेक्टली बना लेना है इस तरह से हमें इसकी सेटिंग करनी है अच्छे से इसको बिल्कुल कवर रखना है लावा कहीं से भी जो है ना बाहर ना आ सके तो देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया अब हम इसको गार्निश कर लेंगे चॉकलेट चिप्स से अब हम उसको रख देंगे फ्रीजर में तकरीबन 15 मिनट्स के लिए और 15 मिनट्स के बाद अब हम इसको बेक कर लेंगे तो सिंपल इसको अवन में ऐड करेंगे तो हमें इसको बेक करना होगा 160 पे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए तो जी तैयार हमारे डिलिशियस चॉकलेट चिप कुकी लावा केक टॉप की एकदम डिलिशियस सॉफ्ट कोईसर कुकीज़ हैं और अंदर एकदम गर्मा गर्म सा लावा है इसको वनीला आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हो उसके साथ ही सुपर यम लगेगा अभी मेरे पास वनीला आइसक्रीम नहीं बने में जरूर से इसके ऊपर ऐड करती तो कितना यमी सही है आप इस रेसिपी को ज़रूर से डिजर्ट के लिए बनाएगा मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़